एपीटीवी भारत। हर एक इंसान में कोई ना कोई एक हुनर जरूर होता है और अपने इसी हुनर से वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब होते हैं और अपनी बुलंदियों को छूते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो अपनी आवाज से नेताओं और फिल्म कलाकारों की नकल कर धूम मचाए हुए हैं और इसी धूम से फिल्म में कॉमेडी कर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं मऊ जिले के सहादतपुरा इलाके के रहने वाले सौरभ कुमार की, जो अपनी जुबान से नेताओं और अभिनेताओं की आवाज निकालकर धूम मचाते हैं, जिसके कारण ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सौरभ की माने तो ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर देता है और हर किसी के अंदर एक अलग टैलेंट जरूर होता है और ये टैलेंट गौरव को मिला उनकी आवाज के रूप में। जी हाँ, वो किसी भी फिल्मकार या फिर नेता की आवाज निकाल लेते हैं, फिल्मों में कॉमेडी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं। मेरे पास जैसे हर किसी के पास गॉड गिफ्टेड कुछ होता है, तो मेरे पास भी शायद ऐसा ही कुछ है। तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों की नकल निकालने की, उसे मिमिक्री कहता हूँ। मैं मिमिक्री करता हूँ और छोटे लेवल का भी हूँ, तो जैसा कि काफ़ी लोग मुझे अप्रिसिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं शायद आपके सामने इस समय हूँ। जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप राजनेता लोगों में आएंगे तो मोदी जी की, लालू प्रसाद यादव जी की और भी बहुत से लोग हैं। फैमिली में सभी सपोर्ट करते हैं। पहले तो जब मैं शुरू किया था तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, मुझे भी खुद अजीब लगा, लेकिन जब मैंने लोगों के सामने दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ अलग है। बस एज एंटरटेनर मैं ये सब काम करता हूँ। आपके पापा? जी, सब सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे भैया जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। फिल्मों में एज ए कॉमेडियन के बतौर काम करना चाहता हूँ, ताकि हमारे मऊ जनपद का जो है नाम रोशन हो और यहाँ से भी कोई बंदा जाए उस लाइन में, क्योंकि अभी फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एबीटीवी भारत के लिए मऊ से विजय कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।